हाय गाइस एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जरा सभी स्किप मत करना आखिरी तक देखना इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइड पे जो हम लोग बीम यूज करते हैं अंडर री बीम क्यों यूज करते हैं क्या एडवांटेज होता है उसका और साथ ही साथ बैलेंस री सेक्शन क्या होता है और ओवर री सेक्शन क्या होता है इन चीजों को भी एक्सप्लेन करूंगा सो so, वीडियो एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों चलो अभी बिना देर हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो देखो दोस्तों मैं आपको पॉमिसिबल स्ट्रेस एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके बताता हूं देखो क्या होता है कि अगर मान लो ये एक बीम का सेक्शन है ठीक है मान लो ये एक बीम है सेक्शन नहीं बस एक बीम है ठीक है इस पर अगर पॉइंट लोड लगेगा सेंटर में तो क्या होगा बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा कुछ इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनेगा राइट सो so इस केस में क्या होगा जो स्टील भी लगा हुआ होगा वो भी इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा नीचे की तरफ राइट लेकिन जब हम इस लोड को हटाएंगे तो बीम अपना कैसा हो जाएगा वापस इसी तरीके का हो जाएगा राइट और उसमें जो स्टील भी लगा हुआ था वो भी अपने नॉर्मल शेप पे आ जाएगा ठीक है तो पॉमेसिबल स्ट्रेस उसको कहते हैं कि जब हम स्टील पे लोड लगाएं तो उसके बाद वो डिफ्लेक्ट करें लेकिन वो अपने इलास्टिक स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में नहीं जाना चाहिए ठीक है सो उस स्ट्रेस को हम लोग पोमेसेबल स्ट्रेस कहते हैं ठीक है इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि स्टील पे है स्टील पे लोड लगा स्टील अपना शेप चेंज करेगा ठीक है और जैसे ही लोड हटेगा स्टील अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाएगा लेकिन प्लास्टिक स्टेट में क्या होता है कि लोड इतना लग जाता है स्टील पे कि अगर स्टील नीचे की तरफ मुड़ गया तो वो मुड़ा ही रह जाएगा वो वापस अपने शेप में नहीं आएगा तो उसको कहते हैं प्लास्टिक स्टेट ठीक है दोस्तों अब देखो दोस्तों अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि अंडर इंजोर्स सेक्शन होता क्या है देखो सिंपली इसको इस तरीके से समझो कि अपना जो स्टील का जो परमिसेबल स्ट्रेंथ होता है वो इसमें कम रहता है कॉन्क्रीट से ठीक है यहां पे मैंने परमिसेबल स्ट्रेस को पी से लिख दिया है ठीक है सो परमिसेबल स्ट्रेस जो होता है अंडर रेंज सेक्शन में स्टील का कम रहता है कॉन्क्रीट से ठीक है ये देखो एक्स यू क्या है ये डेप्थ है बीम का ठीक है यहाँ टॉप से न्यूट्रल एक्सेस तक और ये जो डैश लाइन जो बनाया है मैंने इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सेस ठीक है ये बीम का न्यूट्रल एक्सेस है अंडर इनफोस सेक्शन में बीम के सेंटर से ऊपर की तरफ होता है ठीक है न्यूट्रल एक्सेस उसका ऊपर की तरफ रहता है ठीक है और एक्स यू उसका डेप्थ हो गया ठीक है सो so, पमसिबल स्ट्रेस जो होता है स्टील का कम रहता है और इसी कारण की वजह से जब अंडर इनफोस सेक्शन पर लोड पड़ता है तो इसका स्टील जो होता है पहले फेल करता है ठीक है और फेल करता है तो कंक्रीट में सिर्फ क्रैक दिखता है ठीक है बीम आपको नीचे की तरफ इस तरीके से बीम जो है आपको नीचे की तरफ इस तरीके से झुका हुआ दिख जाएगा ठीक है और जब ये झुका हुआ दिखता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से क्रैक दिखेगा आपको ठीक है तो जब ये साइन दिख जाता है कि बीम नीचे की तरफ झुक गया है और हल्का सा क्रैक आ गया है तो यहाँ पे इनफ ये सिग्नल होता है ये काफ़ी होता है इतना सिग्नल कि अब बिल्डिंग में जान नहीं बचा है या फिर बीम में लाइफ नहीं बचा है और तो इसको इवैकुएट कर देते हैं लोग तो इसीलिए ये प्रेफरेबल होता है हर जगह इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ठीक है दोस्तों अभी इसके बारे में बात करेंगे आगे में इसके और एडवांटेजेस भी होते हैं उसके बारे में बात करेंगे आप बने रहना आखिरी तक देखना वो आखिरी में मैं बताऊँगा आपको ठीक है अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस सेक्शन की बिल्कुल बीच में होता है क्वांटिटी होती है अंडर रेनफोर्स से ठीक है अंडर रेनफोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टील क्वांटिटी कम रहेगी बैलेंस में क्या बराबर रहती है ठीक है और ओवर रेनफोर्स में की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रखा जाता है इन कंपैरिजन टू द कंक्रीट ठीक है अब देखो क्या है कि अपना बैलेंस इनफोर्स सेक्शन में क्या होता है ना कि जो पॉमसेबल स्ट्रेस जो होता है स्टील का और कंक्रीट का वो बराबर होता है ठीक है so सो इसीलिए इनका ब्रेकिंग जो होता है ना वो भी एक साथ होता है अब वो चीज मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझो इसको देखो जब एक अपना बीम है इस पर लोड आएगा लोड आने के बाद क्या जैसे ये नीचे डिफ्लेक्ट करेगा ये जैसे ही नीचे डिफ्लेक्ट करेगा ये पूरा का पूरा बीम में ना क्रैक आ जाएगा ठीक है और सडनली इसका फेलियर हो जाता है ठीक है इसमें कोई वार्निंग साइन नहीं मिलता है कोई भी इसमें वार्निंग साइन नहीं मिलता है इवैक्यूएट करने के लिए लोगों को और इसी के वजह से क्या बिल्डिंग अचानक से गिरता है और लोग का लाइक उसमें कैजुअलिटी होने का चांस होता है इसीलिए इस बीम को प्रेफर नहीं किया जाता ठीक है लेकिन अगर हम बात करें ओवर रोस्ट सेक्शन की तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा पोमेसिबल स्ट्रेस जो होता है ना स्टील का वो बहुत ज़्यादा होता है कॉन्क्रीट के मुकाबले अब देखो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कॉन्क्रीट पहले फेल करता है ठीक है हंस कॉन्क्रीट फेल फर्स्ट पॉमेसेबल स्ट्रेस ज़्यादा होता है स्टील का इसलिए कॉन्क्रीट पहले फेल करता है और उसके वजह उसके बाद स्टील फेल करता है अब देखो क्या होता है कंक्रीट फेल करने का क्या मतलब है जैसे मान लो कि ये एक अपना बीम है ठीक है इसमें आपको हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखेगा बिल्कुल हल्का सा ठीक है हल्का सा आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा और कंक्रीट में पूरा क्रैक पड़ जाएगा ऊपर से ठीक है तो इसीलिए इसमें क्या सडनली बिल्डिंग गिर जाता है ओवर रेनफोर्स में और बैलेंस रेनफोर्स में दोनों में बिल्डिंग क्या एकदम अचानक से गिर जाता है ठीक है पमे स्ट्रेस जो होता है बैलेंस के कंडीशन में स्टील और कॉन्क्रीट का बराबर रहता है लेकिन ओवर रेनफोर्स में स्टील का जो पमसिबल स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू द कॉन्क्रीट और इसी के वजह से इनका जो फेलियर होता है वो बहुत सडन होता है अचानक से हो जाता है फेलियर और जो लोग रह रहे होते हैं बिल्डिंग में उनको वहाँ से निकलने का भी मौका नहीं मिलता है इसीलिए बैलेंस रेन और ओवर रेनफोस्ट प्रेफर नहीं किया जाता है और इसीलिए हम लोग क्या अंडर रेन को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हमें सिग्नल दे देता है क्रैकिंग दिख जाता है नीचे से बीम में बेंडिंग दिख जाता है नीचे से तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि बीम में क्रैक आने वाला है यानी टूटने वाला है अपना स्ट्रक्चर तो लोग क्या वहां से निकल जाते हैं उस बिल्डिंग से सो इसीलिए अंडर इनफोस्ट को प्रेफर किया जाता है दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं अंडर इनफोर्स्ट बीम अंडर इनफोर्ड सेक्शन के एडवांटेजेस की देखो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और दो ही एडवांटेज इसका अलार्मिंग साइन दे देता है इवैक्यूएशन के लिए बताया ही आपको कि वो नीचे से क्रैक दिखता है तो अलार्मिंग साइन हो जाता है वो इवैक्यूएशन के लिए कि भाई वो लोग निकल जाते हैं उसको देख के समझ जाते हैं कि बिल्डिंग गिरने वाली है और लोग निकल जाते हैं वहां से ठीक है दूसरा पॉइंट है ये इकोनॉमिकल सेक्शन होता है इसमें कम स्टील यूज होता है कम स्टील यूज होता है देखो ऐसे समझो कि अपना एक बीम है उसका डायमेंशन वही है ठीक है जो अगर मान लो एक बीम बना रहे हैं उसका डायमेंशन साढ़े सात सौ mm, एम एम उसका डेप्थ है ठीक है और उसकी चौड़ाई है दो सौ पच्चीस एम एम थ्री डी में ऐसे बना दें आपको अगर समझने के लिए उसकी चौड़ाई रखी गई है ऊपर से ढाई सौ एम एम ठीक है तो इस केस में क्या होना है अगर मान लो हम ये अंडर इन्फोर्स बनाने के बजाय हम ओवर री बनाते हैं तो इसमें स्टील बहुत ज़्यादा हमें डालना पड़ता राइट right? स्टील डालना पड़ता तो उसके वजह से कॉन्क्रीट का उसके वजह से क्या कॉस्ट बढ़ जाता लेकिन अंडर इन्फोर्सड होने की वजह से स्टील की क्वान्टिटी कम यूज़ होती है और उसी की वजह से ये सेक्शन हमारा इकोनॉमिकल होता है दोस्तों ठीक है दोस्तों सो ये था अपना कंप्लीट नॉलेज अंडर री ओवर री और बैलेंस्ड री सेक्शन पे तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से समझ में आया होगा कि अंडर री को क्यों प्रेफर किया जाता है बैलेंस इनफोर्स सेक्शन पे और ओवर री सेक्शन पे सो so चलो दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू